किस्मत की लकीरों में हम देख रहे हैं कि अभय पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है और ऐसे में अब कीर्ति काफी ज्यादा परेशान है अपने जीजू को बचाने के लिए, इसीलिए वो एड़ी चोटी की जोर लगा रही है और वो पुलिस स्टेशन भी पहुँच गयी है। उनके अगेंस्ट जो भी उन्हें फंसाने के लिए जो भी चीजें की गई है उससे अभय को छुड़ाने के लिए ऑफिस के वो कागजात जो भी थी बेगुनाही को साबित करी। साफ साफ बोला कि उसने अपने बॉस के कहने पे अभय के बैग में पैसे और पेपर्स रखे थे। तभी पे वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और रोशनी कीर्ति को कई सारे सबूत भी दिखाती है जिसे देखने के बाद वो काफी चौंक जाती है। जिसमें साफ साफ बोल रखा है कि उसने जो कुछ भी किया था अपने बॉस के कहने पे किया था। और इसमें वो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे ऑफिस के क्लर्क ने साफ साफ बोला कि उसने अपने बॉस के कहने पे अभय के बैग में पेपर्स और वो पैसे रखे थे। देखा वीडियो देखिए आपने, उसमें बोल रहा है कि वहाँ पे हाँ मेरे कहने पे किया था, ऐसा सब किया था, कहने पे किया, सब कर दिया, सब देखा आपने। और अभय को भी लेके आ गए उधर। यही चाहिए था उस खन्ना की गर्दन हम पकड़े। आपने हमारे कीर्ति को सबूत तो मिल गया है, पर देखना ये होगा कि कैसे वो अभय को इस मुसीबत से बाहर निकालती हैं। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जय शोबिज को। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।